बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म की सूजी की कतलियाँ, या आप इसको सूजी के टुकड़े भी कह सकते हैं। तो चले आइए हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप शुगर है, 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर है, 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची है, 1.5 टेबल स्पून के करीब बादाम और 1.5 टेबल स्पून के करीब पिस्ताशियो हैं, और 1.5 टेबल स्पून के करीब कैश्यू है, और 1.5 टेबल स्पून के करीब कोकोनट पाउडर है, 1 कप के करीब सूजी है, 1/4 कप पानी है, 1.5 टेबल स्पून के करीब ग्रेटेड कोकोनट है, 3/4 कप के करीब घी है। आप घी की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले आइए हम बनाते हैं अपने मज़ेदार सूजी के टुकड़ों को। तो सूजी को हम सबसे पहले भून लेंगे। हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे और हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं भूनना है, हमें इसको लाइट ब्राउन भूनना है। और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब ये हमारी सूजी भुन गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम घी को मेल्ट करेंगे और घी के अंदर जो हमारे मेवे और इलायची पाउडर है वो डालेंगे और उनको फ्राई करेंगे। थोड़ा आप थोड़े से मेवे बचा सकते हैं ऊपर डालने के लिए। अब ये हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और पानी डालेंगे और जो हमारा रोज़ वाटर है वो डालेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए और ये थोड़ा चिपकना शुरू हो जाए। अब ये चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है कम्प्लीटली। अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे और सूजी डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो हमारा कोकोनट पाउडर है वो डालेंगे और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएं और सूजी पैन से चिपकना छोड़ दें। और इस दौरान आप एक ट्रे पर घी भी लगा सकते हैं ताकि हम इसको निकाल कर उस पर फ़ौरन डालें इसको। अभी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी और हम इसको डायरेक्ट ट्रे के ऊपर फैलाएंगे। अब ट्रे को मैंने ग्रीसी कर दिया है, अब हम इसको ट्रे के ऊपर फैलाएंगे और इसको जल्दी से स्मूथ करेंगे। और इसके ऊपर आप बादाम पिस्ते भी छिड़क सकते हैं ऊपर से, अगर आप छिड़कना चाहते हैं तो। इसको हमें जल्दी से फैलाना होगा ताकि ये ठंडा होने से पहले आपस में जुड़ जाए। अब हम इसको काटेंगे। आप इसको स्क्वायर, रेक्टेंगल या डायमंड शेप, जिस शेप में भी आपको काटना हो आप काट सकते हैं। अब इस तरह करके मैंने काट ली है और ये हमारे मज़ेदार किस्म की सूजी की कतलियाँ या सूजी के टुकड़े रेडी हो गए हैं। आप इसको बनाकर रख सकते हैं, ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होती हैं। तो आप लोग भी मज़ेदार सूजी की कतलियों का बनाइएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक डिश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एवरी वन।